सो कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। मेरा नाम है दर्शन और आज हम लिवरपूल के बारे में बात करने वाले हैं। सो इसीलिए रोशन भाई को बुलाया है, रोशन भाई फ्रॉम LFC अहमदाबाद। सो कैसे हो रोशन भाई? बस बस बढ़िया, मस्त एकदम। हाँ, अब सभी लिवरपूल अभी तो बढ़िया ही फील कर रहे हैं। देखो, चार मैचों में से तीन हमने जीत ली, एक ड्रॉ कर ली, सो 10 पॉइंट आ गए। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। स्टार्ट ऑफ दिस कैंपेन बहुत ही पॉजिटिव मेरे हिसाब से। सो सबसे पहले तो रोशन भाई, आपको क्या लगा है? आपने इतना ही एक्सपेक्टेशन थी कि इंटरनेशनल ब्रेक, क्योंकि आप देखो चेल्सी, एस्टन विला, न्यूकासल, वो बड़ी बड़ी टीमें हैं। लोग एस्टन विला को तो और न्यूकासल को तो बहुत ज्यादा रेट कर रहे थे आफ्टर जो उन्होंने साइनिंग की। शायद थोड़ा सा तो सरप्राइज हूँ कि हमने इतना अच्छा परफॉर्म करा है, क्योंकि इतने सारे नए प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जो आफ्टर इंजरी वापस आए हैं, एंड तो प्लस सब लोग सॉर्ट ऑफ नए साइनिंग्स ही हैं ऐसा समझ लो। क्योंकि क्योंकि ये फ्रंट फोर या फाइव ने इन तीन चार मिडफील्डर्स के साथ तो कभी ही नहीं खेला है अपार्ट फ्रॉम दिस सीजन, और प्री सीजन में भी सब लोग नहीं थे। तो आई थिंक उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड। मैं मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, बट आई एम वेरी हैप्पी विथ अपग्रेड्स। यू नो, जहाँ हेंडरसन को देखते हैं वहाँ पे भी हम सुबोशलाय को देख रहे हैं, और हमें पता है कि उसका इनपुट फ्रॉम मिडफील्ड कितना अच्छा है, उसका शूटिंग आउटसाइड द बॉक्स कितना अच्छा है, उसका क्रॉसिंग कितना अच्छा है। और बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, हम न्यूकासल का गेम उसी की वजह से जीते हैं, उसी की एनर्जी पूरे 90 मिनट्स तक, लास्ट तक उसने जितनी एनर्जी मेंटेन करके रखी थी, जितना ग्राउंड उसने कवर किया है, आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैकलिस्टर भी धीरे धीरे आ रहा है, अभी अभी हमारे पास डिफेंसिव मिडफील्डर है तो शायद वो थोड़ा और आगे खेले तो और अच्छा होगा। आई थिंक इट वॉज अ गुड स्टार्ट। मे बी चेल्सी के सामने भी हमारा नसीब थोड़ा खराब था, वरना जीत सकते थे उधर। हाँ, जीत सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल। डिस्पाइट हमको दो रेड कार्ड मिल गए रोशन भाई, देखो मैकलिस्टर को भी मिला था, वैन डाइक को भी मिला, फिर भी अपने गेम अच्छी तरह से खेली। ये एलिसन से आप लेकर डार्विन नूनेस, सबने अपना रोल अभी तक तो अच्छा ही किया। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबने अपना अपना रोल किया, अभी ऐसा नहीं है कि अरे यार वैन डाइक ने अच्छा नहीं किया, या मतलब इट्स नॉट, इट्स अ फुल टीम एफर्ट, ऐसा किसी एक की वजह से हम लोग अच्छा कर रहे हैं वैसा नहीं है। बिल्कुल, तो वो एक इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक एक क्रेडिट गोज टू जो गोमेज आल्सो, उसने भी बहुत अच्छा खेला। पिछली मैच में मैंने मार्क किया कि जब मैच खत्म हुई ना तो क्लॉप ने स्पेशल जाके ऐसे हम हैंडशेक किया और उसके बाद उसको बहुत ही बड़ा हग दे दिया, मतलब बहुत टाइट हग दिया उसको। सो बहुत ही खुश होगा क्लॉप उसके परफॉर्मेंस के बाद। राइट, नहीं उसने बहुत अच्छा खेला भी, एंड आई थिंक अच्छी है, अच्छा है उसके कॉन्फिडेंस के लिए कि अगर वो अच्छा करेगा तो जेन्युइनली हमें नेक्स्ट सेंटर बैक अभी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास फिर कोनाटे, वैन डाइक और गोमेस तीन अच्छे सेंटर बैक्स हैं। मे बी तुम कह सकते हो कि एक मैटिप के लिए लेना चाहिए, बट होपफुली मैटिप ऑल्सो यू नो उसको भी थोड़ा सा गोमेस को देख के लगेगा कि यार मैं भी कम बैक कर सकता हूँ। तो बट ऐसा नहीं लगा बिल्कुल भी कि लाइक न्यूकासल और एस्टन विला तो दो ऐसे टीम्स थे जिनके सामने सॉर्ट ऑफ प्रॉपर टेस्ट था, राइट, कि ये तो बहुत अटैकिंग टीम्स हैं, इनके सामने अगर हम दो तीन गोल खा लेंगे तो फिर डिफेंसिवली प्रॉब्लम्स हैं। तो न्यूकासल के सामने एक गोल खाया वो तो मिस्टेक थी, और एस्टन विला के सामने तो प्रॉपर परफेक्ट गेम था, आई डोंट थिंक देयर वाज एनी इशू। एस्टन विला वाला गेम तो बहुत ही बढ़िया खेला हमने, जो कंट्रोल मिडफील्ड में अपना बना, कर्टिस जोन्स को इन्वॉल्व किया ना, वो आप कह सकते हो कि मास्टर स्ट्रोक जो बोलते हैं ना वैसा था कि कर्टिस जोन्स ओबोज़लाई एक फ्री नंबर 8 के तरह पे खेल रहे थे थोड़ा आगे, और अपना ट्रेंड अंदर आ था और मैकलिस्टर के साथ डबल पिवट बना था, तो वो देख के मजा आ गया कि कंट्रोल अपना मिडफील्ड पे था। बहुत दिनों के बाद प्रेसिंग भी अच्छी देखने को मिली उस गेम में। वो भी है, हाँ वो एक था कि काफी अच्छा प्रेस किया, और आई थिंक लोग कर्टिस जोन्स को थोड़ा रेट नहीं करता, आई डोंट नो व्हाई, उसको मैं तो रेट करता हूँ, एंड आई थिंक इसके लिए पहले
उसके परफॉर्मेंस ऊपर नीचे थे, इसलिए लोगों के माइंड में एक पिक्चर उसकी बन गई है, मगर अभी वो बहुत अच्छा खेल रहा है। पिछले सीजन 6 मैच भी अच्छा खेला, अभी भी अच्छी स्टार्ट है। मेरे हिसाब से इसीलिए लिवरपूल इतना वो नहीं था कि ठीक है लास्ट में हम साइन कर ही लेंगे, क्योंकि कर्टिस जोन्स ऑफ रोल फिट कर ही लेता है, लाइक ही मतलब यू नो अगर ऐसा बहुत ज्यादा सॉलिड मिडफील्ड चाहिए तो तुम फिर एंडो मैकलिस्टर को भी डबल पिवट रख के अटैकिंग मिडफील्ड में तुम कर्टिस जोन्स को डाल सकते हो। तो जैसे जैसे वो बॉक्स मिडफील्ड हो गया, जैसे तूने बोला इवन Even without Trent coming into the midfield, इसमें भी तेरे दो pivot and उसके आगे दो attacking number eights. हाँ, बिल्कुल। तो Curtis Jones बहुत सारी चीजें fill करता है, इसके लिए I think हम लोग को midfielder इतना नहीं चाहिए था जितना है कि center back चाहिए था, but अभी ठीक है, we have a defensive midfielder and so I think काफी free हो जाएंगे, तीन player आगे midfield में खेल रहे हैं। I think Curtis Jones will play a crucial role. Like prop. पर क्रूशल रोल रहेगा उसका चैंपियन जैसा चैंपियन से करेगा यूरोपा लीग में और फिर लीग कप्स में भी, लाइक मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर ट्रेंट ही कुड बी द वाइस कैप्टन इन छोटे गेम्स। हाँ, मतलब ये सीजन उसका वैसा होगा रोशन भाई कि मेक और ब्रेक वाला, अगर इस सीजन में उसने प्रूव कर दिया ना तो वो परमानेंट मेंबर बन जाएगा अपनी स्क्वाड, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई उसको रखना चाहिए बेचना चाहिए, क्योंकि सीजन स्टार्ट होने से पहले लोग कह रहे थे कि अगर 30 मिलियन मिल रहा है तो बेच दो, जूट के लिए काम में आ जाएंगे ये वो, मगर अगर इस सीजन उसने यही फॉर्म कंटिन्यू रखा तो आई थिंक अपने टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है। बस होप करो कि उसको कोई और इंजरी ना हो। हाँ, बस वही इशू है। और रोशन भाई इस टीम में अभी तो थियागो ऐड होना बाकी है। हाँ, मैं एग्जैक्टली बोलने वाला था कि इस टीम में अभी तो थियागो फिट थियागो इस मिडफील्ड में तो मचा देगा, बहुत ही मचा देगा, बिल्कुल। और मैकलिस्टर के बारे में मैंने एक चीज नोटिस की है, देखो मैं मानता हूँ कि अभी लोगों के नजर में उतना नहीं आया कि भाई जितना सोबोज़्लाई आया है, सोबोज़्लाई तो भाई क्या साइनिंग कर ली हमको, एक डायमंड मिल गया है बस, अब वैसा ही डेवलप कर रहे तो अपना तो 10 साल के लिए एक मिडफील्डर सेट हो गया, बहुत अच्छा साइनिंग है। मगर मैकलिस्टर बहुत ही क्लेवर बंदा है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जहां पे जाके वो फाउल करता है ना, सामने वाली टीम का अटैक ही रुक जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउल करता है। हाँ। कभी कभी ऐसा रेड कार्ड भी मिल जाता है, मगर बहुत वो रोड्री जैसा, रोड्री नहीं बहुत सारे फाउल करते मगर बच जाता है, वो कार्ड नहीं लेता। राइट। वैसे सेंटर बैक पे हमने थोड़ी बात की गोमेस पे, मगर आपको नहीं लगता कि नेट फिलिप्स को लोन पे जाने देना इज इट राइट डिसीजन, क्योंकि बहुत ही थीन है अभी, देखो अभी कुछ हो गया इन दोनों को तो हम किसे खिलाएंगे। नहीं, जनरली लोन का कैसा रहता है कि तुम लोग वापस भी बुला सकते हो, लाइक काफी बार, एक आई थिंक एक बार रीस विलियम्स के साथ ही हुआ था, वो लोन पे था जब वो 2019 वाला सीजन था आई थिंक, जिसपे 2019 वाले, हाँ जब नेट को और रीस को खिलाया था चैंपियंस लीग। एग्जैक्टली, हाँ तो आई थिंक वो उसको बुला सकते, बट मेरे हिसाब से क्लॉप हैज लॉट ऑफ फेथ इन क्वांसा। हाँ, इसके वजह मतलब उसने न्यूकासल के मैच में उसको डाला था जब हम तब 1-1 थे। वो लोग भी मार ही सकते थे, तो अगर उस उतना कॉन्फिडेंस है कि उसको न्यूकासल जैसे गेम में डाल के खिला रहे, आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग कि उतना ट्रस्ट है, बट वही है कि लाइक काफी बार क्लॉप अबिलिटी की जगह सिर्फ वो क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर प्लेयर को खिलाते हैं। हाँ, अच्छा एटीट्यूड है, अच्छा प्लेयर है, मतलब वैसा नहीं होता, कभी कभी थोड़ा सा गेम सेंस भी चाहिए, थोड़ा गेम में एप्लीकेशन भी चाहिए एटीट्यूड से ज्यादा था। तो होपफुली कौन सा फिट करता है वो वाला बिल की, मतलब वो सब तो ठीक है बट ही इज गुड ऑन द बॉल, कॉन्फिडेंट है, एंड वी होपफुली वी सी हिम मोर, थोड़ा और देखने मिलेगा तो अच्छा लगेगा, बट वो भी बट वही है कि कितने सारे हमारे सेंटर बैक्स, यंग सेंटर बैक्स हमने लिए वर्कआउट नहीं हुए, जैसे फिर वो बिली कुमेटियो अभी भी है, बट
अभी लाइक ही इज नॉट मेकिंग अ ब्रेक थ्रू, बहुत टाइम से यंग अंडर 23 के लिए खेल रहा है. बिल्कुल आई थिंक इफ कौन सा अगर बाहर आया है फ्रॉम द एकेडमी टू द फर्स्ट टीम, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि लिवरपूल में काफी बार हुआ है कि एकेडमी से आए हुए लोगों ने अच्छा किया है. Like people being Trent, Curtis Jones, and then Kwanzaa could be in that same. बिल्कुल मैं मुझे तो देखो अटैक अपना तो पहले से ही अच्छा था, मगर अटैक के हर मेंबर अभी तक जितने मैच हुए सभी में इंपैक्ट डाला है, हर एक मेंबर ने इंपैक्ट डाला. आप चोटा बोल लो, लेफ्ट को बोल लो, नूनेस, साला तो हर मैच में गोल या फिर असिस्ट प्रोवाइड करता ही है. आपको क्या लगता है, देखो मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ साला नहीं बेचेंगे एफएसजी वाले, मगर आपको क्या लगता है कि 220 आ गए हैं मिलियन तो बेच सकते हैं? आई थिंक वो अपने पे भी नहीं होगा, आई थिंक इट विल एंड अप विद साला. अगर उसको यहाँ खेलना है तो वो यहाँ खेलने के लिए रेडी है. अगर वो बोलेगा कि मुझे उतने पैसे चाहिए तो आई डोंट थिंक क्लब उसको ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि क्लब को पता है कि वो उतना पैसा दे नहीं सकता है, उतने वेजेस तो कभी भी पॉसिबल नहीं है लिवरपूल को देने के लिए. तो आई थिंक बॉल इज नॉट इन लिवरपूल्स कोर्ट, इट इज इन सालास कोर्ट. इफ ही वांट्स टू स्टे वन मोर सीजन एंड लाइक विन सम ट्रॉफीज, ठीक है. अगर उसको लगता है कि ठीक है अगले साल चला जाऊंगा, मे बी अगले साल में थोड़ा कम पैसे मिलेंगे साला के लिए, बट विल सी. वो अल्टीमेटली भी साला का डिसीजन है कि उसको क्या करना है, क्योंकि नाउ इफ क्योंकि कुटिनियो के उसमें भी क्लब ने ज्यादा रोका नहीं उसको, अभी उसको जाना है तो फिर तुम जाओ. मगर पैसे भी बहुत अच्छे मिले थे. हाँ, पैसे भी अच्छे मिले थे, बट वही है कि इट इज नॉट अबाउट मनी इन केस ऑफ दीज प्लेयर्स, यू नो. लाइक फैबिनियो के केस में तो चलो समझ सकते हैं कि भाई उसको ऑफलोड कर दिया, ये प्लेयर्स ऑफलोडेबल नहीं है. इट इज नॉट अबाउट द मनी, इट इज अबाउट कि इनकी क्या इच्छा है. यहाँ पे 10 times कम कमाने का इच्छा है कि वहां जाके 10 times मोर कमाना है. मुझे तो लगता है अगले साल ही जाएगा, क्योंकि एक साल अगर यहाँ पे अच्छी ट्रॉफी आ गई, जैसे यूरोपा भी अच्छी ट्रॉफी होती है, ये जीत ले तो आई थिंक सभी ट्रॉफी मोहम्मद साला ने लिवरपूल पे जीती, ऐसा कैसे. हाँ, सिर्फ यूरोपा बचा. हाँ, एग्जैक्टली. हाँ, यूरोपा ही बचा, तो उसके बाद 100 million दिए तो भी बहुत, तो भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं. तो फेरी टेल एंडिंग भी हो सकती है अगर यूरोपा जीत के जाए तो, इसीलिए मुझे लगता है कि ये सीजन रहेगा. नहीं, आई थिंक अपने लिए ये सीजन और अच्छा भी है, चांस है प्रीमियर लीग जीतने का, क्योंकि भले ही हमारी सबसे थिन स्क्वाड है, वो हमारी सबसे सेटल्ड स्क्वाड है एज कम्पेयर टू अदर्स. लाइक सिटी और लिवरपूल को छोड़ के मुझे टॉप 6 टॉप 7 में भी टॉटनम, तीन आर्सेनल के भी इंजरी हुई तो उन लोग का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ सकता है, तो मतलब. और अभी ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि गैब्रियल और आर्टेटा के बीच में कुछ ज्यादा बन नहीं रही है, उनके बीच के कुछ डिफरेंसेस हैं. हाँ, वो वाइट भी कंप्लेन कर रहा था कि भाई पार्टी को क्यों राइट बैक खिला रहे हो, पिछले सीजन उसको खिलाया पूरा राइट बैक और इस सीजन आप स्टार्ट कर रहे हो पार्टी को, तो वो उसको भी थोड़ी कंप्लेन थी कि भाई उसको क्यों स्टार्ट करो. हाँ, मगर अपनी टीम पे वापस आते हैं. डार्विन नूनेस 2 performance देखे, मगर दोनों में बंदा इतना अच्छा खेला. पिछली मैच में भी 2 goal आ सकते थे उसके, उन गोल उसकी वजह से ही आया, मगर उसके बाद ही एक बहुत बड़ा चांस और अच्छी फिनिश थी, मगर आप कह सकते हो थोड़ा अनलकी. तो डार्विन नूनेस पर क्या थॉट्स है कि इस सीजन वो मचाएगा मुझे लगता है. हाँ, मतलब उसने लास्ट सीजन भी अच्छा ही किया था, 15 गोल्स मारे, आई डोंट नो गोल्स प्लस असिस्ट, आई थिंक 20+ ही थे उसके भी, राइट. हाँ, याद नहीं मेरे को असिस्ट कितने थे, बट 15 टोटल 15 गोल्स और समथिंग. हाँ, 20 के अराउंड है उसके, 21 गोल प्लस असिस्ट. That is a good season. Like, कोई भी तुम दूसरे प्लेयर को consider करोगे, maybe for a price tag that he came, तुम बोल सकते हो कि कम है, but अगर तुम सब हटा दो तो just based on stats, that's a great season. बिल्कुल. But हाँ, I think Darwin तो वो तो
एक्सपेक्टेड है, लाइक ये वो जब वो कॉन्फिडेंट होता है तो बहुत ही अच्छा खेलता है, वो हमने देखा ही है, बेनफिका में भी हमने देखा है। तो एक चीज है, व्हेनेवर ही स्टार्ट्स द गेम, उसका बस प्रॉब्लम ये है कि उसने जो भी गेम स्टार्ट किए हैं उसमें उसको अच्छा करना पड़ेगा। लाइक एज अ सुपर सब तो वो अच्छा है ही, लाइक वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, बट जब वो पूरा 90 मिनट्स, हाँ एग्जैक्टली, जब उसको स्टार्ट मिलती है तो थोड़ा सा इसका इश्यू है। तो आई फील लाइक अगर वो स्टार्ट करने वाले गेम्स में भी एक दो गोल मार के, लाइक इफ ही डज गुड, तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ, मगर क्या आपको लगता है इस फॉर्मेशन में, क्योंकि न्यूकासल में उसने दो गोल मार के हमको जीतवा दिया, तो आस्टन विला में वो स्टार्ट, मगर ज्यादातर कोडी गैपको को ही स्टार्ट मिलता है, राइट? और ऑब्वियसली है कोडी गैपको ड्रॉप करता है, थोड़ी मिडफील्ड में भी हेल्प हो जाती है, शूट भी अच्छा कर लेता है, फिनिशर भी अच्छा है, तो आप समझ सकते हो कि क्यों उसको स्टार्ट करा रहे हैं। मगर क्या लगता है आपको, आपकी पर्सनल चॉइस क्या होगी कि भाई किसके साथ हम कंटिन्यू करें? आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसा, व्हाट आई थिंक इज कि लेफ्ट में लुइस डियास और जोटा, दोज आर द टू पीपल, ठीक है? हमने लास्ट सीजन देखा है कि नूनेस को विंग पे डाल के कोई फायदा नहीं है, लाइक वो थोड़ा आउट ऑफ द गेम हो जाता है, एंड देन उससे कोई लिंक अप प्ले नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से इन एन आइडियल सिनेरियो लुइस डियास और जोटा इज द लेफ्ट विंग ऑप्शन, सेंटर ऑप्शन इज गैक्पो न्यूनेस, एंड राइट विंग में साला एलियट और जो भी जिसको भी तुम्हें डालना है, बेंडो के, तो मेरे हिसाब से तो वो है। तो डिपेंडिंग ऑन कौन से टीम्स के साथ खेल रहे हैं, ये रोटेट हो सकते हैं कि मे बी अगर हमें फिनिशिंग अच्छा चाहिए थोड़ा स्टार्टिंग में, तो शायद जोटा से स्टार्ट करवा लें। तो एक अच्छी चीज है कि तीन प्लेयर है जो सेंट्रल रोल खेल सकते हैं, उसमें जोटा मोर वर्सेटाइल की, वो थोड़ा विंग भी खेल सकता है, उसको इट नॉट हिज प्रेफर्ड पोजीशन बट ही कैन प्ले विंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो और लास्ट में देखो, हाँ कुछ बोल रहे थे, सॉरी। नहीं, बस मैं वही बोल रहा था कि तो आई थिंक इट विल जस्ट डिपेंड ऑन हु वी आर प्लेइंग। मेरे सबसे शायद प्रॉब्लम और गैक्पो के लिए ज्यादा इसीलिए है क्योंकि अब जब डिफेंसिव मिडफील्डर है तो दो प्लेयर तो पता ही है, सोबोस्लाय मैकलिस्टर तो स्टार्ट करेंगे। तो अगर ग्रेवेनबर्च आएगा तो ग्रेवेनबर्च, सोबोस्लाय मैकलिस्टर, ये मिडफील्ड हो गया। तो अब गैक्पो के पास वो भी नहीं है कि वो स्टार्टिंग लाइनअप में आए टू प्ले एज अ मिडफील्डर। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब वो जो उसकी यूजुअली होती है कि यूटिलिटी प्लेयर बन सकता है, बीच में आके हेल्प कर सकता है, वो भी अब पक्का हाँ, नहीं है कि वो स्टार्ट करेगा, बट आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन कि कौन से टीम्स के सामने खेल रहे हैं। जिन टीम्स के सामने थोड़ा बॉल रिटेंशन चाहिए तब गैक्पो को डालना पड़ेगा क्योंकि वो बॉडी यूज करता है, बट जिन जिन टीम्स के सामने पता है कि ये लोग अटैक करेंगे, दे विल नॉट सिट बैक, तो फिर तो डार्विन को डाल सकते हो क्योंकि देन ही विल बी बिहाइंड द डिफेंडर्स। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि रन भी बहुत अच्छे मारता है बंदा, राइट? डिफेंडरों को हम कभी कभी ऑफसाइड भी हो जाता है, मगर कांस्टेंट वो रन उसके चालू ही होते हैं, और ट्रेंट लॉन्ग बॉल डालता है और कनेक्शन अच्छा बैठ गया है अपना, साला ट्रेंट और डार्विन नूनेस का, तीनों का, तो वो बॉल उसके पास जाते हैं लॉन्ग बॉल या फिर आप कह सकते हो थ्रू पास। सो एक ट्यूनिंग बेस गई है आपका। रायन ग्रेवेनबर्च पे लास्ट में मैं पूछना चाहूंगा कि बायर्न में भले ही उसका सीजन उतना अच्छा नहीं गया है, मगर आपको क्या लगता है, और लोग इसीलिए उसके पीछे नहीं जा रहे थे कि थोड़ा एटीट्यूड इश्यू था उसका कि भाई ट्रेनिंग में नहीं, लेट आ रहा था ये वो, मगर यहाँ पे उसका क्लब कैप्टन भी है, क्लॉप जैसा मैनेजर भी है, सॉरी नेशनल कैप्टन, कैप्टन भी है और क्लॉप भी है, तो ये सबसे अच्छा एनवायरमेंट उसके लिए हो सकता है। हाँ डेफिनेटली, आई थिंक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बहुत यंग मिडफील्ड है अभी हमारे पास, तो ये तो प्रॉपर 10 ईयर मिडफील्ड है, ये 10 साल तक चलाया जा सकता है इन सबको, अगर अगर ये सब लोग इंजरी फ्री रहे। और आई थिंक यू आर राइट, ग्रेवेनबर्च माइट नॉट बी द एग्जैक्ट प्रोफाइल, लाइक मतलब प्लेइंग प्रोफाइल यस, एटीट्यूड वो लोग अभी क्या कह सकते हैं, समटाइम्स यू डोंट लाइक द एनवायरनमेंट, तो हो सकता है कि ही विल एंजॉय लिवरपूल मोर, तो शायद उसका थोड़ा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, ही विल ट्राई टू बी इन गुड बुक्स, एंड आई थिंक
अभी यंग भी बहुत है, जैसे आपने बोला ना कि मैच्योर भी होगा तो शायद राइट ठीक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। एंड क्लॉप जनरली ऐसे प्लेयर्स को नहीं ही लेता है, भले टैलेंटेड हो वो प्लेयर्स, उन्हीं प्लेयर्स को साइन करता है जिनमें करेक्ट एटीट्यूड है। तो आई थिंक उस अगर क्लॉप का अप्रूवल है तो आई थिंक इट इज नॉट एन एटीट्यूड इशू, आई फील। एंड होपफुली ही गेट्स मोर चांसेस टू प्रूव हिमसेल्फ। उसने नेदरलैंड्स के लिए तो काफी अच्छा खेला ही है, बट आई थिंक आयक्स के लिए भी क्या खेल रहा था जब वो खेलता था तब लोग कामाविंगा और जूड बेलिंगम ने उनके साथ कंपेयर करते थे, ऐसा बोलते थे कि भाई यंग पॉल पोग्बा जैसा खेलता। पोटेंशियल तो है, टैलेंट तो है, जैसे आपने। एंड बायर्न म्यूनिख में इतने सारे स्टार्स हैं, समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। एंड अभी बायर्न म्यूनिख में भी लास्ट ईयर में 2-3 मैनेजर चेंज हो गए, तो उनका भी एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है नहीं कि एक कांस्टेंट मैनेजर है जो वो प्लेयर को डेवलप कर रहा हो। ठीक है, तो नहीं, वो वैलिड पॉइंट है। आपने जैसे बोला कि किमिच गोरेस का उसका सबजार, ये सब कुछ आपके सामने हो गया, आप कैसे तुरंत ही स्टार्ट करोगे? हां, आपको टाइम तो चाहिए ही होगा, right. वो भी वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल। और लास्ट में अपना एंडो है और बाइजेटिक है, ये दोनों के बारे में बात करेंगे। देखो, मुझे तो पहले ही लगा था जब एंडो की साइनिंग हुई थी ना, मैंने बोला ना कि ये कोई आपका मिलनर वाला रोल नहीं करने वाला, ये अपना नंबर 6 है। लोग कह रहे थे कि नहीं, एक और हम डिकोरे को लाएंगे या फिर एक और नंबर 6 को लें, मगर मुझे लगता है कि अपना क्लब और या फिर मैनेजमेंट बाइजेटिक पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है और करना भी चाहिए जिस तरह से उसका परफॉर्मेंस। सो वो दोनों रोटेट करेंगे नंबर 6 के लिए, मुझे ऐसा। हाँ, आई थिंक अभी मुझे जहां तक लगता है कि शायद एंडो भी ना करे, मे बी ग्रेवेनबर्च को नंबर 6 वाला रोल दिया जाएगा कम्प्लीटली। और अच्छी बात यह है कि वो अटैक भी कर सकता है, तो आई थिंक हमारे पास एंडो और बाइसेटिच दोनों नंबर 2 एंड नंबर 3 है फॉर दैट पोजिशन। नंबर 1 तो मेरे हिसाब से ग्रेवेनबर्च है, क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें मैकेलिस्टर को अटैकिंग मिडफील्ड में डालना है। उसको डिफेंसिव मिडफील्ड खेल लेगा, बट दैट्स नॉट हिज पोजिशन। वहाँ पे वो सबसे इफेक्टिव वो वहाँ पे नहीं है, सबसे इफेक्टिव वो अटैकर्स के साथ लिंक अप करने में। हाँ, लेफ्ट साइडेड जो अभी कर्टिस करता है वो अगर मैकेलिस्टर करे तो इससे भी अच्छा खेल सकते हैं। राइट, एग्जैक्टली। और रही एंडो, एंडो और बाइसेटिच की, आई थिंक एंडो लीग कप्स में जब यंग स्क्वाड जाएगी उसमें एंडो खेलेगा, एंड आई थिंक एंडो को शायद कैप्टन भी बना दे कि लाइक वो जब लीग कप में जाएगी टीम्स तो उनको यंगस्टर्स के साथ वहां पे खेलने को टाइम भी मिलेगा, एंड आई थिंक वो लीड भी करेगा। बाइसेटिच एक बार फिट हो जाए तो होपफुली कम्स बैक, क्योंकि अच्छा वो रोटेट फिर हमारे पास तीन प्लेयर है सेम पोजिशन। फिट तो है मगर उसको पता नहीं क्यों छोटा कैमियो के लिए भी नहीं ला रहे बेंच पे, दो बार से है वो। नहीं, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है कि पहले 5-6 गेम अच्छा मोमेंटम सेटअप हो जाए, तो एक बार लिवरपूल, हाँ अभी लिवरपूल 5-6 गेम्स जीत जाएगा एंड देन वंस दे हैव ऑल दैट ऑल दोस पॉइंट्स, तो फिर वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि ठीक है भाई एक गेम में बाइसेटिच को डाल देते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही क्रूशियल गेम्स में डाल देंगे ना, अगर अच्छा नहीं खेला तो कॉन्फिडेंस चला जाएगा, अभी तो लंबा सीजन खेलना है हमें। तो सीजन के स्टार्टिंग में ही अगर वो थोड़ा सा लॉस हो जाएगा उसके कॉन्फिडेंस, तो आई थिंक वो नहीं चाहते होंगे क्लब, इसीलिए एग्जैक्टली। एंड क्लब के लिए भी एंडो को तो क्या है, एंडो इज मतलब वो लाए उसी के लिए थे कि मतलब वो अगर अच्छा जाए गेम बुरा जाए, लाइक people will not say much about Endo, but they'll say something about Bicetic. और जब youngster होते हो और अच्छा game नहीं खेलते हो, क्योंकि I think उसका तब बहुत गाली पड़ी थी जब वो Madrid के सामने खेल रहा था, बहुत ज़्यादा ball retain करने का कोशिश कर रहा था, या फिर first time pass करने का कोशिश कर रहा था, like सब कुछ हड़बड़ी में कर रहा था वो, क्योंकि सब कुछ करने का कोशिश कर रहा था, तो वो होता है like you try to prove yourself. Endo को कोई prove करने की ज़रूरत नहीं है, वो काम वो लाए इसी के लिए पोछा मारने के। तो इसके लिए आई थिंक बाइसेटिच को धीरे से डालेंगे, एंड होपफुली आई थिंक प्रॉब्ली नेक्स्ट लाइक एक बार 1/3 ऑफ द सीजन खत्म हो जाए 12-13 गेम के बाद डालेंगे, मे बी मैं सोच रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। सो हां गाइस, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहां पे खत्म करते हैं।
हमने सभी टॉपिक्स के बारे में बात किया। देखो हमने सेंटर बैक, मिडफील्ड, अटैक किस तरह से अपना स्टार्ट हुआ उस पर बात की, ग्रेवनबर्ग क्या कर सकता है। सो किसी भी टॉपिक पे आपका कोई ओपिनियन हो कमेंट में डालो, कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको लगता है कि हमने कुछ बोला आपको अग्री नहीं करते तो भी डालो नीचे। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाई, और LFC अहमदाबाद चैनल है वहां पे भी सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय, सी यू गाइस।